हमारा नेता जब सत्ता में होगा बताने की जरूरत नहीं है। हम काल की हांडी को बार बार चढ़ाना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि इसी से कुछ हल निकल जाएगा। समय बदल गया है दोस्तों। हे मेरे नेता भाई, जिस बुद्ध को तुम मानते हो, उस बुद्ध ने कहा कि समय और परिस्थिति के हिसाब को के हिसाब से चलो। बाबा साहब ने उसी चीज को कहा कि समय परिस्थिति के हिसाब से बातों को तौलिए और अपना रास्ता तय कीजिए। अगर एक रास्ता हम देख रहे हैं कि आगे गड्ढे में गिर रहा है तो रास्ता तो बदलना पड़ेगा, लेकिन हम उसी रास्ते से चलकर मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, मंजिल कभी हासिल नहीं होगी। हम लगातार गर्त में जाते जाएंगे, गर्त में जाना हमें अच्छा लगता है। हम सवाल से बहुत घबराते हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम किस परंपरा में आते हैं। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने क्या काम किया था? सवाल खड़े किए थे, इस व्यवस्था के सामने सवाल खड़े किए थे। पूरी संत परंपरा में, चाहे रविदास जी महाराज हो, संत कबीर हो, ये सब ने सवाल खड़े किए थे। और आधुनिक भारत में ज्योतिबा फुले से लेके सावित्रीबाई फुले या बिरसा मुंडा या जितने आदिवासी नायक हैं, पेरियार साहब हैं, और सबसे सबसे जो है सबसे आगे चल के मान्यवर काशीराम साहब, इन सब ने सवाल खड़े किए। सवाल वही लोग खड़े करते हैं, सवाल वही खड़े करते हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, और सवाल सवालों से वही लोग घबराते हैं जो परिवर्तन नहीं चाहते। उनके सामने तो हम सवाल खड़े करते हैं, सवर्णों के सामने, अपने दुश्मनों के सामने वो तो सवाल से घबराते हैं, लेकिन जब हम अपने लोगों के सामने सवाल खड़े करते हैं तो ये भी घबराते हैं। सवाल तो सुनना पड़ेगा भाई। हजारों लाखों करोड़ों लोग के सपने तुम्हारे ऊपर है, हम सब ने सपने तुम्हें सौंप दिए। हमने 1200 को सपने सौंपे, बाबा साहब ने धोखा नहीं दिया। हमने काशीराम साहब को सपने सौंपे, उन्होंने धोखा नहीं दिया। लेकिन बाप के नेता अगर हमारे सपनों का सौदा करते हैं तो सवाल तो करना पड़ेगा और जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन जब जवाब नहीं दिया जाता है तो हमें नए रास्ते बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आप नए रास्ते बनाने से डरते हैं, लेकिन वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे ज्यादा जय बोल रहे हैं। और उन्होंने एक भीम ऐप चलाया, उसका बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुष्प्रचार किया है कि भीम ऐप बाबा साहब के नाम है। मन से बार बार मोदी कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बाबा साहब अम्बेडकर के चलते हूँ। झूठ ही सही, हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ओबीसी भाई लोग झूठ में ही सही ये बात नहीं कहना चाहते हैं। तो नहीं कहना चाहते हैं तो रहिए फिर गुलामी की। संकट बहुत बड़ा है दोस्तों, हमारे बहुत बीच बड़े बड़े वक्ता हैं जो इस पर बात रखेंगे। मैं चाहता हूं इस बात को समझे सारे विश्वविद्यालयों में, आज की तारीख में जैसा कि अनु बता रहे थे गोरखपुर में, देश का कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहां SC ST OBC लोगों को, मुस्लिम लोगों को टॉर्चर नहीं किया जा रहा है। टॉर्चर किनको किया जाता है, परेशान किनको किया जाता है? जो लोग सवाल खड़े करते हैं, जो व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं, जो चीजों को गलत चीजों को दूर करना चाहते हैं, उन सब पर टॉर्चर किया जा रहा है। केवल स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स भी टॉर्चर हो रहे हैं। रतन लाल जिसके बड़े उदाहरण है, मैं खुद 2 साल सस्पेंड और टर्मिनेट रहा, और मेरे वाइस चांसलर ने मुझे कहा था जब मैंने ज्वाइन किया था, जब मैं प्रोबेशन में था, बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे वो, कि तुम बाबा साहब के कार्यक्रमों में जाते हो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। तो मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के चलते तो नौकरी मिली है, बाबा साहब के चलते नौकरी जाएगी तो सही कर पाऊंगा। नौकरी गई, मैंने अपना काम जारी रखा, और नौकरी ये देश, ये सरकार किसी के पिताजी की कृपा से नहीं चलती है, ये देश हमारे पिताजी की कृपा से चलती है। हमारे पिताजी ने इस देश का संविधान बनाया है, ये देश, ये सरकार, ये विश्वविद्यालय, जितने संस्थान हैं ये संविधान से चलते हैं। 2 साल बाद हाई कोर्ट से जीत कर उन्हीं की छाती पर मूंग दलने फिर से आए। लोगों ने ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता, मैंने कहा कलकत्ता नहीं, होलोलुलु भी करोगे वहां से भी बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चल रहा है। दोस्तों लड़ाई लंबी है, बातें बहुत सारी हमारे बहुत वक्ता यहाँ पे हैं। मैं अंतिम बात मैं यही करके जाऊंगा कि सबक जरूर हम सीखे। 5000 साल का जो इतिहास है, 5000 साल में जो हमारे साथ हुआ, हमारे बहुजन महापुरुषों ने अपनी मेहनत से उस इतिहास को बदलने की कोशिश की, आज फिर हम कहीं ना कहीं उसी गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे जो भी नौजवान लोग हैं, ऐसे जो भी अम्बेडकराइट लोग हैं, सबको एक साथ एक मंच पे आने की जरूरत है और एक विकल्प की तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि बगैर विकल्प किए हमारे जो आने वाली पीढ़ियां है वो हमें माफ नहीं करेगी। कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए आज हमें जगना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। धन्यवाद।